रुको रुको प्लीज, हमारी भी वीडियो देख के जाओ। तो हर वीडियो में आप लोगों को पता है मैं ऐसे बोलता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हो ट्रीजर ओपी वाईटी तो आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद देखो यार, मैं इस तरीके से हर वीडियो में बताता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं मिलती, पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई सपोर्ट भी नहीं देती। तो यार हम लोग छोटे यूट्यूबर करें तो क्या करें, आप लोगों के लिए क्लचेस बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों की सपोर्ट सिर्फ 3-4 व्यूज 10 व्यूज तक हो तो हम लोग क्या करें। तो प्लीज यार पाकिस्तानी कम्युनिटी यार, आप लोग सपोर्ट दिखाओ छोटे मोटे यूजर्स को, यूट्यूबर को बड़ा करके दिखाओ, आप लोगों के लिए इतना अच्छा करेंगे। देखो यार आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर को मैसेज किए होंगे इंस्टाग्राम पे और काफी सारे मेंशन भी किया होगा, लेकिन आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं मिला होगा। एक बार हमें तो मेंशन करके देखें, एक बार हमें कहीं तो मैसेज करके देखें, इंस्टाग्राम मैसेंजर फेसबुक जहां भी आप लोग मैसेज करके देखो, हमसे बात करके देखो कि हम लोग बात करते हैं या नहीं, कि तुम्हारे एटीट्यूड है कि नहीं है। दरअसल बात ये भी नहीं कर रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबरों का एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि बात ऐसे कि जब आप लोग कोई बड़े यूट्यूबर को मेंशन करते हो तो आप लोगों को कोई मतलब रिप्लाई नहीं मिलता उनका। एक बार हमें करके देखो, इतनी सी बात करनी थी। तो प्लीज सपोर्ट दिखाया करो छोटे मोटे यूजर्स को और शुरू से उनके साथ रहा करो, तुम एंड तक आप लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे से बातचीत मतलब बनाए रखो तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहते हैं। तो वीडियो को करो एंजॉय, क्लचेस बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं यहाँ पे, आप लोग जरा चेक करने वाले हो कैसा हम लोग क्लच करते हैं। गाड़ी लेके यहाँ पे निकल चुके होते हैं, सामने की तरफ मुझे बंदा लैंड होता दिखता है, तो लेट्स गो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर कर देते हैं। जरा चेक करने वाले हो, यहाँ पे एक बंदा नहीं होता, 3-3 बंदे होते हैं और अच्छा क्लच निकलता है। थोड़ा सा फ्री फायर देते हैं लेकिन कनेक्ट ही नहीं होता। ओ भाई साहब मेरे टीममेट नॉक, कोई बात नहीं खैर है, और फिनिश भी करने लगता है लेकिन हम कहाँ फिनिश होने दोगे। ओ भाई साहब एक और बंदा जो पीछे से जिसने लैंड किया, अरे जेड है माफिया साहब को हमने नॉक किया। अचानक से ये बंदा रश कर रहा है, भाई साहब डायरेक्ट फिनिश दिया और उसको फिनिश देने की कोशिश की कि कोई और बंदा ना आ जाए, इतने में एक और बंदा आ भी जाता है। ओ भाई साहब यहाँ पे हमारा इस तरीके से हो जाता है 1v4। तो कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। इवेंट के ऊपर यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा होता है, फूट स्टेप आते तो यहाँ पे जरा चेक करो इसके साथ क्या होने वाला है। अरे अरे भाई भाई इसको तो पता ही नहीं कि भाई मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ, भाई साहब आराम से सुकून से खड़ा होकर किसी को देख रहा था। गाड़ी भी रश कर चुके होते सामने की तरफ, 3-4 बंदे होते हैं तो इस बंदे थोड़ा सा फ्री फायर देता हूँ लेकिन इतने में नॉक हो जाता है एक और बंदा। ओ भाई साहब कैसा फ्री फायर दे रहा है, कवर चेक करो जरा इसका कवर। अरे अभी तक भी वो कैसा गंदा मार रहे भाई साहब। अरे 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 तो इनका एक और लास्ट बंदा बचा होता है, ऐसे में इस बंदे को भी नॉक करता और ये सामने आ जाते कि अभी हमें फिनिश नहीं होते। मेरे ख्याल से इनके और बंदे नहीं होते, बस यही बंदे होते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी हम लोग कर देते हैं इनको रश, जल्दी से इनको फिनिश करते हैं। जैसे इसको फिनिश करता हूँ भाई साहब एक और फूट स्टेप पीछे से आने लगते हैं, जैसे लूट करता हूँ ये देखो बंदा लैंड हुआ वहाँ पे तो मर जाते हैं, यहाँ मेडिसिन में आ जाते उसके बाद रिकॉल है ओके। तो यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा पत्थर के पीछे, भाई साहब मेरे टीममेट को देख रहा होता है, इतने में इसको नॉक कर साथ ही 47 वहाब भाई को कर देते हैं फिनिश। एक और बंदा होता है यहाँ पे कैंप कर रहा था, मैं थोड़ा सा उसको साउंड लेता हूँ आराम आराम से जाके देखता हूँ, ये बड़ा ही कैंपर होता है कोई। ओ भाई साहब खड़ा है आराम से, क्या कोई आएगा और उसे मैं मार दूंगा, इतने में भाई साहब हम आराम आराम से आते इसको पता भी नहीं रखने देते और इसे कर देते यहाँ पे डाउन। स्टार्ट करते हैं दूसरा मैच यहाँ पे, भाई साहब गाड़ी लेके हम लोग घूम रहे होते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर गाड़ी रश कर देगी। ओ वाह भाई साहब जरा चेक करो यहाँ पे बंदे कैसे उतारते हैं हम लोग गाड़ी से। अरे 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 भाई साहब, ओ भाई साहब हेड लगते हैं पी जोकर साहब को नॉक हो जाते हैं, इतने में दूसरा बंदा भी। अरे अरे ये मेरे ख्याल से टीम होती है, दो बंदे होते हैं गाड़ी पर रश कर चुके होते हैं तो यहाँ पे ये भी नॉक हो जाते हैं और इनको साथ ही कर देते हैं हम लोग फिनिश। थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करते हैं गुस्से वाले। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, शायद 2 किल मैंने किए उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं ये क्या सीन था। तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही थी जस्ट गैलरी में नहीं सेव हुई भी। तो यहाँ पे जरा चेक करो एक बंदा, शायद ये बोर्ड था ये रियल था मुझे नहीं पता, और दूसरा बंदा कर देता रश। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्री फायर देता हूँ लेकिन नहीं वो डर जाता है और आगे नहीं आता, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अब इसके ऊपर ग्रेनेड को करके डाला जाए। तो अभी ज़रा चेक करो इसके ऊपर हम लोग ग्रेनेड करते हैं और देखो ये कैसे फिनिश होता है। ओ भाई साहब हम अभी ग्रेनेड तो को कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही फुल को करके जैसे ही डालते हो, ओ भाई साहब अरे अरे नॉक हो जाता है हमारा 1v4। अरे भाई आप पहले 1v1 तो करें, 1v4 को छोड़ें। तो जल्दी से कर देते रश, एक और बंदा भी होता है पीछे से, गाड़ी भी आ चुके थे, इतना बुरा बुरा रश हो रहा था हम पे, डायरेक्ट इसको फिनिश देते हैं हम लोग साथ ही। पीछे से हमारे टीममेट नंबर 4 को बंदा कर देता है नॉक और इतने में मैं कर देता रश के अब आ गया इनका टाइम।
लव भी पहुंचा दिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्री फायर देते, बंदा काफ़ी सारी मूवमेंट कर रहा होता है और फाइनली नॉक और फिनिश इसको दे देते जल्दी से, टीममेट को पहले रिवाइव करते हैं हम लोग। तो दूसरा बंदा भी उधर ही होता है लेकिन खैर हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा वाला हो जाता है। पावर प्लांट में जाते हैं मारन, यहाँ पे टीममेट नंबर 4 को कर देता है नॉक, रिकॉल करते हैं टाइम। तो कोई बात नहीं, हम भी इतनी देर में पहुंच जाते हैं लेकिन खैर हम अपने नंबर 4 को नहीं बचा पाते और फिनिश कर देते हैं। इतने में मैं भी इसे नॉक कर देता हूँ और थोड़ा सा टाइम बाद हम भी यहाँ पे डेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी, आप लोगों ने खुद देख लिया होगा कि कितने मैच खेलते हैं तो तब जाके पूरी वीडियो बनती है। आप लोग सपोर्ट फिर भी नहीं दिखाते हो, प्लीज यार सपोर्ट दिखाया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देना इजाजत, अल्लाह हाफिज़।